शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सोचा कि अगर हम बाहर जाके फिल्म नहीं देख सकते, क्यों ना थिएटर कोई घर पे ले आ जाए। मैंने तुम्हारी फेवरेट फिल्म भी निकाली है। अरे तुम खड़ी क्यों, आओ ना बैठो। कीर्ति, मैंने तय कर लिया कि अब जैसा मेरी स्वीटू चाहती है मैं वैसा ही करूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करूंगा। ख्यारा को भी मैं ही संभाल लूंगा, जो तुम चाहती हो वही होगा। हम फिल्में देखने जाएंगे, मॉल जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, सब वैसे ही होगा जैसा तुम चाहती हो। बस जो तुमने किया है ना, फिर वैसा मत करना, क्योंकि मैं सच में बहुत डर गया था स्वीटू। कीर्ति तुम ठीक हो ना? राज बोल रहा था कि तुम आज ऑफिस भी नहीं गई, वो बहुत परेशान है तुम्हारे लिए, और तुम उसका फोन भी नहीं उठा रही हो। तुम्हारे काम को लेके घर पे कोई दिक्कत है क्या? थोड़ी दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत है। हम इसीलिए आज से राज के साथ काम नहीं करेंगे। अचानक से ऐसा क्या हो गया? वरुण जी ने कुछ कहा क्या तुमसे? इनका हम आपसे बाद में बात करते हैं, बाद में सब कुछ बताते हैं, बाय। कीर्ति चलो अब आराम से बैठ के हम फिल्म देखते हैं। देखो हमें कोई तंग नहीं करेगा। ये फोन मेरा मैंने ऑफ कर दिया, हमें अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है? और ये देखो तुम्हारी सारी फेवरेट चीजें, पॉपकॉर्न है, चिप्स है, तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक भी है। वरुण जी प्लीज, वरुण जी ये चिप्स, ये पॉपकॉर्न, ये जूस ये आप ही खाइए, हमें नहीं रुकना, हम जा रहे माँ को बोल के मम्मी के घर। कीर्ति नहीं यार, शादी में नहीं आ पाऊंगी, क्या बताए, पुलिस की नौकरी है ही ऐसी, रोज रोज नए नए मुजरिम, नए नए केसेस, यू नो इट जस्ट नेवर एंड्स। हाँ समर तो बिल्कुल ठीक है, और बताओ? इतनी मुश्किल से किस्मत एक और मौका दे रही है, जो रागनी के साथ मीटिंग पक्की हो गई, उसके लिए तैयारी करने के बजाय यहाँ समय बर्बाद हो रहा है, पर कब तक? और बता। मैम, मैम क्या क्या झेलना पड़ेगा तुम्हारी वजह से श्रद्धा। पता नहीं वहां पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा होगा, अब ये सब कुछ अकेले कैसे संभाल रहे होंगे, मुझे साथ भी लेकर नहीं गए। हे भगवान सब ठीक हो। हे भगवान श्रद्धा तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्या? तो ऐसे हमारे हाथ में दर्द है, अब क्या सांस लेना भी बंद करते हैं हम? हे भगवान लगता है आंखों में कचरा चला गया है, पूरा जल रहा है ये। माफ कीजिएगा मम्मी जी, मैं अभी आपके लिए तौलिया गीला करके लाती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है, तौलिया गीला करके लाते हैं। मम्मी आइए ना, अंदर आइए प्लीज। बैठिए तनुजा जी, बैठिए। तनुजा जी अब कैसी तबीयत है, दर्द में आराम है पहले से? अरे यशमी जी दर्द तो है, बस जैसे तैसे झेल रहे हैं, लेकिन आज अचानक आप यहाँ कैसे आ गई? वो तनुजा जी हम श्रद्धा से बस जरा मिलने के लिए आए थे। अरे मम्मी आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। श्रद्धा बहुत दर्द हो रहा है,
एक छोटे तौलिए को गर्म पानी में डुबा के लाओ, सिकाई करना जरूरी है, जाओ जल्दी। जी। अरे यशवी जी, हम आपको क्या बताएं कि हमारा बेटा हमारे इलाज के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। अरे शायद हमें लंदन भी जाना पड़े इसके लिए। अब क्यों किया फोन तुमने? अबे मैंने बस ये पूछने के लिए फोन किया था कि वहाँ पर सब ठीक है ना। हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है। किरण जी ने तो स्पेशल चाय समोसे का भी इंतजाम किया मेरे लिए। अबे आप एक बार मुझे उनसे बात कर लेने देते। क्यों? ताकि आज की दावत भी यही करके आऊँ मैं? कोई जरूरत नहीं है, तुम घर की साफ सफाई करो। रागनी जी के आने से पहले घर एकदम चकाचक होना चाहिए। इसमें कोई गलती मत करना प्लीज। मैम 2 घंटे से मुझे यहाँ बिठा के रखा है, ना आप मुझसे बात करने के लिए राजी हो रही हैं, और ना ही मुझे बताया जा रहा है कि मुझे यहाँ बुलाया क्यों गया है। पीछे मम्मी जी। अरे ये तो ठंडा है, इससे थोड़ी सिकाई हो पाएगी। खोलते पानी में डुबा के लाओ तभी सिकाई हो पाएगा, जाओ जल्दी। उतना दर्द है, पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए मैंने अपनी टीम को वारदात की जगह पर भेजा है छानबीन करने के लिए। तब तक पहली रिपोर्ट तैयार हो रही है, साइन करके जाइएगा। मम्मी जी। अरे लाओ हमें दो, हम खुद ही जाएंगे और खुद अपने से सिकाई करेंगे रूम में आराम से। हे भगवान। मम्मी कैसी तबीयत है आपकी? आपने डॉक्टर को दिखवाया ना, क्या कहा उन्होंने? आपकी खांसी तो बढ़ती चली जा रही है। बेटा हम वही बताने आए थे, वो डॉक्टर ने कहा है कि छोटा सा। श्रद्धा तेल गरम करके ले आओ, बहुत दर्द हो रहा है। जी जाओ बेटा। तनुजा जी को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। जरूरत पड़ी तो आपको फिर से बुलाना पड़ेगा। मैम मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, स्कूल में जो कुछ भी हुआ वो बच्चों के बीच की बात थी। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी वर्दी का फायदा नहीं उठाएंगे, क्योंकि सच सच सामने आ ही जाएगा। और हाँ मैम, आपको शायद मेरी बीवी के बात करने का तरीका पसंद नहीं आया, पर उसने जो कुछ भी कहा वो एकदम सही था। मेरी बच्ची झूठ नहीं बोलती है, इसलिए आप भी अपने बच्चे को समझा लीजिए। मम्मी हाँ आप कुछ कह रही थी ना। श्रद्धा बेटा हम समझ गए हैं, तुम्हारे ऊपर काम का बोझ कुछ ज्यादा ही है, इसलिए हम चलते हैं। मम्मी अभी तो आई हैं आप, कम से कम 5 मिनट तो बैठिए ना। अरे श्रद्धा कहाँ रह गई तुम, अब क्या मालिश भी हम खुद ही करें? किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।